शुरुआत राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली की खबर के साथ कर रहे हैं। बड़ी खबर है, कहा जाता है कि दिल्ली के आरकेपुरम में गोलीबारी की घटना देखने को मिली है। जानकारी इस वक्त की ताजा आपको दे रहे हैं और बता रहे हैं कि किस तरीके से आरकेपुरम इलाके में फायरिंग में दो महिलाओं को गोली लगी है। आपस में बहनें बताई जाती हैं, दोनों इलाज के दौरान दोनों महिलाओं की मौत की खबर भी सामने आ रही है। जानकारी ताजा है, फायरिंग के पीछे अभी वजह स्पष्ट नहीं हो पाई है, लेकिन संपत्ति विवाद शुरुआती जानकारी में पता लग रहा है। लेकिन गोलीबारी की घटना आरकेपुरम के अंबेडकर बस्ती में सामने आई है। हालांकि इस फायरिंग के पीछे वजह अभी स्पष्ट नहीं हुई। जानकारी के मुताबिक साउथ वेस्ट दिल्ली के आरकेपुरम में दो गुटों में विवाद के बाद ये शनिवार देर रात फायरिंग हुई है, यानी देर रात की घटना है। फायरिंग की इस घटना का वीडियो भी सामने आ गया है। इसमें साफ तौर पर देखा जा सकता है किस तरह दबंग फायरिंग करते जा रहे हैं और घटना स्थल पर चीख पुकार मची हुई है। थोड़ी देर में आपको वीडियो हम भी दिखाएंगे, क्योंकि इस फायरिंग में दो महिलाओं की गोली लगने से मौत हो गई है। तस्वीरें आपके सामने हैं, देर रात का वीडियो हम आपको दिखा रहे हैं। जब आपसी विवाद होता है, गोलियां चलती हैं और दो महिलाओं को गोली लगती है, जब अस्पताल में भर्ती कराया जाता है तो डॉक्टर की तरफ से उन्हें मृत घोषित कर दिया जाता है। हालांकि अस्पताल में इलाज के दौरान दोनों महिलाओं की मौत हो गई है, वो तो हम आपको बता ही रहे हैं, क्योंकि आरकेपुरम की यह घटना बताई जाती है। और आपको जानकारी इस वक्त राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली से दे रहे हैं कि किस तरीके से दो गुटों में आपसी झड़प होती है, दो महिलाओं को गोली लगती है और दोनों महिलाओं को जब अस्पताल के अंदर भर्ती कराया जाता है तो अस्पताल में उन्हें मृत घोषित कर दिया जाता है और डॉक्टरों की तरफ से उन्हें मृत घोषित कर दिया जाता है। लेकिन आपसी विवाद बताई जा रही है, लेकिन अभी शुरुआती जानकारी में संपत्ति विवाद भी कहा जा रहा है।